टाइप्स ऑफ ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट में कितने प्रकार का ट्रेड होते हैं? वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का ट्रेड खराब या अच्छा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है आपका पर्सनालिटी पे, आपके पास ट्रेड करने के लिए कितना अमाउंट है, कितने दिनों से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको मार्केट के बारे में कितना ज्ञान है। स्टॉक या शेयर मार्केट में जनरली 4 टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। नंबर 1 इंट्राडे ट्रेडिंग, नंबर 2 स्विंग ट्रेडिंग, नंबर 3 शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लास्ट नंबर 4 इज लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है सेम डे पर स्टॉक बाय कर सेम डे पे उस स्टॉक को सेल कर देना। शेयर या स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग जनरली रिटेल ट्रेडर्स ही करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत रिस्की और एग्रेसिव भी होता है और इस ट्रेडिंग में आपका रिस्क सिर्फ एक दिन के लिए होता है। अगर आप कोई शेयर इंट्राडे में बाय करते हैं तो और अपना शेयर सेल करना भूल जाते हैं तो उस कंडीशन में आपका ब्रोकर अपने आप आपका शेयर जो है बेच देगा मार्केट बंद होते टाइम। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह ही है बट इंट्राडे में आप ट्रेडिंग एक दिन में करते हो बट स्विंग ट्रेडिंग में वही ट्रेडिंग आप कुछ दिन या कुछ वीक में करते हो। स्विंग ट्रेडिंग में इंट्राडे के मुकाबले कम रिस्क और ज्यादा प्रॉफिट है। स्विंग ट्रेडिंग में इंट्राडे की तरह आपको फुल फोकस की कोई जरूरत नहीं होती है और स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे के मुकाबले ज्यादा हाई रिटर्न देती है और ये इंट्राडे के मुकाबले लो रिस्क की होती है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की। इस ट्रेडिंग में आपको कुछ वीक्स से लेकर कुछ मंथ तक बेसिकली 1 ईयर के अंदर आपका ट्रेडिंग कंप्लीट करना होता है। इस ट्रेडिंग सिस्टम में आपको गवर्नमेंट को अपने प्रॉफिट का 15% टैक्स के रूप में आपको देना पड़ेगा। इस ट्रेडिंग सिस्टम में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट रिसर्च और सोच समझ कर आप करते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकती है। अब बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस ट्रेडिंग सिस्टम में मिनिमम 1 साल मैक्सिमम आप जितना साल तक इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। इस ट्रेडिंग में प्रॉफिट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द कंपनी डिविडेंड्स एंड बोनस को ध्यान रखते हुए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं और इस ट्रेडिंग सिस्टम में आपको गवर्नमेंट को अपने प्रॉफिट का 10% हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता है। लेकिन आपका प्रॉफिट 1 लाख से कम है तो उसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपको लगता है किसी कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सिस्टम के द्वारा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल बन के आएगा उसे ऑल पे जरूर कर लें।